कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। चाइनीज की जो कंपनी है एमजी, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की अस्मिता के ऊपर किधर न किधर दाग गिरे। मुंशी के जो स्टाइल है उसमें आंसर दिया हुआ है। ठाणे शहर में सब जगह मराठी पार्टी नहीं हुए तो आगे आंदोलन तीव्र। ठाणे महानगर पालिका सो रही। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एमजी हेक्टर चाइनीज शोरूम पर मनसे ने दागे काले स्याही के बैलून। महाराष्ट्र में मराठी बोर्ड सभी दुकानों पर जल्द नहीं लगाए गए तो मनसे आंदोलन और तेज करेगी। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर स्थित मानपाड़ा परिसर में एमजी हेक्टर चाइनीज शोरूम पर मनसे ने मराठी बोर्ड ना होने की वजह से स्याही बैलून एमजी हेक्टर शोरूम में मारकर तीव्र आंदोलन किया है। मनसे कार्यकर्ता स्वप्निल महेंद्रकर ने अपने तमाम मनसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एमजी हेक्टर चाइनीज कंपनी शोरूम पर काली स्याही बैलून में भर के शोरूम पर मारे हैं। स्वप्निल महेंद्रकर का कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठाओं के भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और जहाँ जहाँ चाइनीज कंपनी के शोरूम या दुकान हैं, ठाणे में स्थित हैं, वो मराठाओं की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं और मराठी बोर्ड ना लगाकर मराठाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठाणे नगर निगम हो या महाराष्ट्र सरकार को तुरंत महाराष्ट्र के सभी दुकानों के बोर्ड को मराठी में लगाने का तत्काल आदेश निकालना चाहिए। अगर जल्द से जल्द महाराष्ट्र के सभी दुकानों पर मराठी बोर्ड नहीं लगाया तो महाराष्ट्र में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार को उठाना होगा। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई के तमाम दुकानों को मराठी में दुकानों पर बोर्ड लगाने की ताकीद की गई है, लेकिन ठाणे महानगर पालिका की तरफ से अब तक ठाणे के किसी भी दुकानों को मराठी बोर्ड लगाने की कोई भी परमिशन या ताकीद नहीं दी गई है। मनसे द्वारा अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द ठाणे के सभी दुकानों पर मराठी बोर्ड अगर नहीं लगाया गया तो मनसे स्टाइल में ठाणे के सभी दुकानों को उत्तर दिया जाएगा। मनसे कार्यकर्ता स्वप्निल महेंद्रकर ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। शोरूम पे जो है काले बलून शाही के साथ आंदोलन किया है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हमने निषेध किया है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी का जो स्थान है वो हमारे लिए हमारे मन में है और यहाँ के सब लोग ने वो स्थान उनके भी मन में रहना चाहिए। आज चाइनीज की जो कंपनी है जिसका नाम है एमजी, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों की अस्मिता के ऊपर किधर न किधर दाग गिरे, इसके लिए उन्होंने मराठी पार्टी नहीं लगाई है। आज उनको ये खड़े खटक करके मनसी की जो स्टाइल है उसमें आंसर दिया हुआ है। अगर ठाणे शहर में सब जगह मराठी पार्टी नहीं हुए तो आगे आंदोलन तीव्र। मुंबई महानगर पालिका है लेकिन ठाणे महानगर पालिका कार्रवाई शुरू नहीं। मुंबई में कार्रवाई हो रही है पर ठाणे महानगर पालिका सो रही है, यही बोल सकता हूँ, क्योंकि ठाणे महानगर पालिका कभी भी पीछे ही रहती है मुंबई के, और ये इसमें भी यही देखा गया है कि वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। अगर किया नहीं तो हम पालिका के ऊपर दावा आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर लगातार मराठी पार्टी को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन विपक्ष की और कोई भी पार्टी जो इसमें शामिल नहीं हो रही अब तक? नहीं, हम अभी नहीं, 14 साल से अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आज इसका अगला जो टप्पा है वो आज से शुरू हो गया। ठीक है।